जी शायद सर, शायद हकान साहब आप बात कर रहे हो? नहीं आप बात भी आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो ना इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप सीट बात सुने बात करें ना, आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। ये जी शायद खाकान आबाद सर, जी प्लीज स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें कि वो मामला तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत का मामला जिस पर हाउस के इस तरफ आदमी बैठा हो उस तरफ बैठा हो पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है, पूरा पाकिस्तान यक जुबान है, पूरा पाकिस्तान इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतराजा बना रहे हैं। ये करारदाद मुतफिका होनी चाहिए थी, कल आपने हाउस खत्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई, यह हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। आपने करारदाद लानी थी, तरीका ये होता है बात करते हैं अपोजिशन से कि हम ये करारदाद लाना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है, ये करारदाद नाकाफी है बदकिस्मती से। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि एक घंटा दिया जाए, आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते, हम वापस आएंगे, आकर इसके अंदर जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे, ताकि ये हाउस एक मुत्तफिका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे, पूरी हाउस कमेटी हो, पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, हर मेंबर पूरा हाउस हर मेंबर हिस्सा लेना चाहिए, या कमेटी वो स्पेशल कमेटी कोई जरूरत नहीं है, कमेटी ऑफ द होल हाउस। ये मेहरबानी फरमाएं, ताकि खुदा के लिए आपने तीन साल इस हाउस को मफलूज करके रख दिया है, इसको उखाड़ा बना दिया है, इसको बदतमीजी का अड्डा बना दिया है, इसको गालियों का अड्डा बना दिया है, कम अज कम ये एक्सपंज करते इस इसके तमाम अल्फाज को एक्सपंज करते हैं, मामला मेरी बात सुन ले, एक्सपंज करते हैं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, बात तो सुन ले, सिर्फ ये गुजारिश है एक घंटा दें, उसके बाद हम यहाँ मीट करेंगे, हम करारदाद लेकर आएंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे, और इंशाल्लाह वो ऐसी करारदाद होगी जामे होगी, हर मसले पर सैर हासिल यहाँ पर हाउस के अंदर बहस होगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुत्तफिक होगा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत पर और खत्म नबूवत। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़र, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर, रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर, रमजान में बोल।